अगर आपका भी पैसा लंबे समय तक सहारा इंडिया में फंसा हुआ है तो यह खबर आपके लिए है। सरकार भी निवेशकों का पैसा वापस दिलाने के लिए प्रयासरत है। सहारा इंडिया की तरफ से दी गई सफाई में कहा गया है कि उसने निवेशकों के 25,000 करोड़ की रकम भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के पास जमा कर दी है। तो वहीं सेबी की तरफ से सहारा के 25,000 करोड़ रुपए रोके जाने के विरोध में सहारा इंडिया परिवार के निवेशकों और कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने जयपुर में मार्च निकाला और विरोध प्रदर्शन किया। यह नाराजगी निवेशकों और कर्मचारियों में सेवी के खिलाफ थी। एक बयान के अनुसार भाजपा सांसद डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने बस्ती चौक से क्षेत्रीय कार्यालय तक मार्च निकाला और तत्काल कार्यवाही के लिए सेवी के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि इससे पहले सहारा इंडिया ने विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन के जरिए अपनी बात कही थी। इस विज्ञापन में सहारा ने सेवी पर निवेशकों के 25,000 करोड़ रुपए रखने का आरोप लगाया था। सहारा ने पत्र में लिखा था कि वह भी सेवी से पीड़ित है, हमसे दौड़ने के लिए कहा जाता है लेकिन हमें बेड़ियों में जकड़ रखा गया है। सेवी की तरफ से भी बताया गया था कि दस्तावेज और रिकॉर्डों में निवेशकों का डाटा ट्रेस नहीं हो पा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।